नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपनी आने वाली फिल्म को लेकर बिजी चल रही हैं। आपको बता दें कि इन दिनों ऐश्वर्या अपनी आने वाली फिल्म फन्ने खां की शूटिंग में बिजी हैं, जिसे लेकर ना सिर्फ ऐश बल्कि उनके फैंस भी काफी इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिल्म रात और दिन के रीमेक के लिए ऐश्वर्या का नाम सुर्खियों में है, जिसे लेकर ऐश्वर्या करीब 10 करोड़ की डिमांड कर चुकी हैं। खबरों की माने तो अब ऐश के पास एक और फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में ऐश ने अनुष्का को रिप्लेस किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं आने वाली फिल्म जैस्मीन की, जिसमें पहले अनुष्का को लिया गया था। अब खबरें आ रही हैं कि फिल्म में ऐश को लिया गया है। इस फिल्म में ऐश्वर्या एक सरोगेटिक मदर की किरदार में नजर आएंगी। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी सरोगेसी पर आधारित है, जो एक सच्ची घटना है। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म गुजरात की एक ऐसी महिला की कहानी बयां करेगी, जो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, पर वो दूसरों के लिए सरोगेट मदर बनने का फैसला लेती हैं, और बाद में वो बच्चे के मोह में आ जाती हैं और उस बच्चे को वापस पाने की इच्छा जताती हैं।